प्रॉब्लम नंबर सेवन्थ, ठीक है, सातवां सवाल है। सातवें में देखो, एक ब्लॉक है ऑफ मास एम सर टेन। हाँ बोलो। अरे स्क्रीन नहीं दिख रहा सर, स्क्रीन दोस्तों एक मिनट रुको, तो हाँ अभी दिख रहा है स्क्रीन, हाँ सर, ठीक है। हाँ देखो, एक ब्लॉक है ऑफ मास 10 kg, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा है। इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ थ्री स्ट्रिंग्स, तीन स्ट्रिंग लग गई, अरे बाप रे, ठीक है। फाइंड द टेंशन T1 T2 एंड T3। अरे अच्छा, इसको वो तीसरी स्ट्रिंग घुसेड़ लिया गया उसने, नहीं तो ये जिस प्रकार से एक्चुअल में रखा हुआ है वहाँ पर, ठीक है, तीसरा स्ट्रिंग एक्चुअल में अगर तुम इसको मान लो, जैसे ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, समझेगा, उसको अगर तुम मान लो, माइक अपने साइड का ऑफ कर लेना, ठीक है, उस पॉइंट पर जो टेंशन्स होंगी वो इस प्रकार होंगी, ये हो गया T1, ये हो जाएगा तुम्हारा T2 और ये हो जाएगा T3। ब्लॉक का FBD अगर तुम बनाओ तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा T3, ऐसा, समझ पा रहे हो? तो मैंने वहाँ पर एक्चुअल में T3 कटवा दिया था, तो उस टाइम पे क्योंकि मैंने सवाल तो अटेम्प्ट किया नहीं था, तो T3 इस वाले पोर्शन का टेंशन है, दिस इज T3, समझ गए, इस वाले पोर्शन का टेंशन है T3, ठीक है। एक स्ट्रिंग ये है, यहाँ देखो ध्यान से, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है और एक स्ट्रिंग ये है, ठीक है, ये तीन स्ट्रिंग है तुम्हारे पास, क्लियर है? अच्छा, अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है मेरे को बताओ तड़ से, इसमें तो कहीं कोई दूर दूर तक का कोई इशू ही सर होना ही T2 में चाहिए। नहीं लग रहा है ना कुछ, T2 0 है। T2 तुम्हारे पास 0 है, क्यों 0 है? क्योंकि इस पॉइंट पर अगर तुम फोर्स बैलेंस अगर लगाओगे, समझे क्या, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस अगर रहनी है तो T2 को 0 होना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, ठीक है, T2 को 0 होना ही पड़ेगा, T1 बराबर T3 हो जाएगा, ठीक है यार, ये हो क्या रहा है, हाँ T1 बराबर T3 हो जाएगा, ठीक है, T1 बराबर T3 है और इधर से T3 बराबर 100 हो जाएगा, बस ये हो जाएगा फिर, ठीक है। तो एक्चुअल में T2 इस सिचुएशन के लिए 0 आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई स्ट्रिंग जो दीवार से लगी रहती है उसमें टेंशन 0 हो जाता है, जैसे पिछले वाले केस में आठवां सवाल जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो उसमें T2 0 नहीं आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि एंगल्स ऐसे हैं, यहाँ पर क्योंकि एंगल्स ऐसे हैं, इस वजह से T2 0 आ रहा है, ठीक है। दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू कि कभी भी अगर कोई स्ट्रिंग अगर दीवार से कनेक्टेड है तो वो टेंशन हमेशा 0 हो जाएगा, तो बात सुनने से भी हंसी आती है, ठीक है। उसको तुमने किस एंगल्स पर रखा हुआ है ये वो डिटरमाइन करेगा ना कि टेंशन की वैल्यूज क्या है। कुछ और इसमें अगर बोलना है तो बोलो, ये तो इससे झंडू सवाल तो मैंने आज तक नहीं देखा। फाइंड द टेंशन T1 T2 एंड T3। T2 0 हो गया, T1 कितना हो जाएगा? T1 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास, बाप रे कंप्यूटर आज तो भाई गजब ही ढा रहा है बिल्कुल। T1 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास T3 के बराबर, यानी कि इट विल बी 100, ठीक है, T1 की वैल्यू हो जाएगी 100 न्यूटन्स, ठीक है।